जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज हम आपकी फर्स्ट बुक के 9वें चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसका टेस्ट है वो अपने आज ले रहे हैं। इससे आप अपनी तैयारी और समझ को अच्छे से परख सकते हैं। आपको इस टेस्ट में अच्छे से भाग लेना है और बाद में आप अपने स्कूल का नाम और अपने मार्क्स हैं वो जरूर शेयर है वो कीजिएगा। और एक साथ में बात बता दूं, अगला जो अपना टेस्ट है 10वां मानव बस्ती वाला जो चैप्टर है उसका टेस्ट है वो बुधवार को लिया जाएगा, यानी 3 दिन के बाद है वो टेस्ट उसका होगा। और उसके जस्ट 2-3 दिन बाद ही हम पूरी फर्स्ट ज्योग्राफी की जो आपकी बुक है उसका एक बड़ा टेस्ट बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग रखेंगे और बहुत जल्द उसकी पूरी डिटेल में सूचना है वो मैं आपको दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। आपको भी इसमें साथ में भाग लेना है। पहला प्रश्न, निम्न में से भारत किस प्रादेशिक व्यापार समूह का हिस्सा है? बहुत प्यारा क्वेश्चन। नाफ्टा, साफ्टा, आसियान या सीआईएस? भारत की बात, ये सारे ही नीचे ऑप्शन में दिए गए ये सारे प्रादेशिक व्यापार समूह हैं। इनके अंदर भारत, इंडिया है वो किस समूह का हिस्सा है ये आपको बताना है। क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल सही, सही उत्तर है वो है साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अंदर बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान के साथ साथ भारत भी इसका मेंबर है। और ये जो संगठन है ये 1 जनवरी 2006 को प्रभावी हुआ था और अंतर प्रादेशिक व्यापार के करों को घटाना इसका प्रमुख लक्ष्य है वो रहा था। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। रोटरडम पत्तन निम्न में से किस प्रकार का पत्तन है? पत्तन के बहुत से प्रकार पड़े हैं और वही ऑप्शन में है और यहां प्रश्न है अपना रोटरडम किस प्रकार का पत्तन है? नौसेना, मार्ग, अंतरपोपतन या पैकेट पतन या पैकेट स्टेशन जिसको हम कहते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, रोटरडम पतन किस प्रकार का पतन है? क्या होगा सही उत्तर? और वो है अंतरपोपतन। सही उत्तर क्या है? अंतरपोपतन इसका सही उत्तर, रोटरडम। अंतरपोपतन याद आ रहा होगा कहाँ, क्या है ये वो जो पत्तन है जहां पर विभिन्न देशों से लाया गया माल एक जगह इकट्ठा किया जाता है और फिर दूसरे देशों को यहां से निर्यात किया जाता है। याद आ रहा होगा एशिया के लिए अंतरपो पत्तन है वो सिंगापुर है, यूरोप के लिए रोटरडम है और बाल्टिक सागर के लिए कोपेन हेगन है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, ऋणात्मक संतुलन का अर्थ क्या है? हमने व्यापार संतुलन वाला टॉपिक पढ़ा है, उसमें धनात्मक ऋणात्मक सभी पक्षों की बात की है। देश के निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना में अधिक है या देश के निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना में कम है, देश के निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य के समान है या उपरोक्त सभी? तो क्या होगा इसका सही उत्तर, ऋणात्मक संतुलन का अर्थ? और वो है ऑप्शन दो, देश के निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना में कम है। आयात का जो मूल्य है देश के निर्यात के मूल्य की, यानी अगर आयात अधिक है, ये क्या कह रहे हैं कि देश के निर्यात का मूल्य कम है तो इसका मतलब आयात का मूल्य अधिक हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ऋणात्मक संतुलन है वो कहलाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO 64, 164, 74 या 174? क्या होगा सही उत्तर? WTO के सदस्यों की संख्या, और वो है 164, 164। अगला प्रश्न है पांचवा, कि पत्तनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जो पोर्ट है उनसे संबंधित प्रश्न है, पत्तनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है ये ध्यान रखिए। अंतरदेशीय पत्तन समुद्री तट के नजदीक स्थित होते हैं,
बाहरी पतन गहरे जल के पतन है जो वास्तविक पतन से दूर बने होते हैं। अंतर्देशीय पतन नदी या नहर द्वारा जुड़े होते हैं। या सभी सही नहीं है, यानी सारे ही गलत है क्या? तो देखिएगा, बाह्य पतन याद आ रहा होगा अभी, ये गहरे जल के पतन और वास्तविक पतन से दूर होते हैं, बिल्कुल सही। अंतर्देशीय पतन नदियां नहरें द्वारा जुड़े होते हैं, ये भी सही, ये भी सही। कौन सा गलत है? पहला ऑप्शन ही गलत है। अंतर्देशीय पतन समुद्री तट के नज़दीक नहीं होते बल्कि उससे दूर होते हैं, जो कि नदी या नहर से जुड़े हुए होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, छठा, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष याद आ रहे होंगे, तीन हमने महत्वपूर्ण पक्ष पढ़े हैं, जनसंख्या कारक, विदेशी निवेश, परिवहन। ये तो आधार है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक हैं। महत्वपूर्ण पक्ष तीन पढ़े आपने, याद आ रहा होगा, एक व्यापार की दिशा, एक व्यापार का परिमाण और एक व्यापार का संयोजन। तो यहाँ पर कौन सा दे रखा है? व्यापार का परिमाण। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा अभी, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न। WTO, जो कि पहले गेट के रूप में था, GATT, जे और गेट का पूरा नाम भी याद रखिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो 1948 में स्थापित हुआ, बाद में 1995 में इसकी जगह WTO आ गया था। तो WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, जापान, फ्रांस या अमेरिका? क्या है सही उत्तर? सबके याद है अच्छे से, ये खुशी की बात है, और वो है जिनेवा। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंदर। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तेल उत्पादक राष्ट्रों का समूह है। अंतर्राष्ट्रीय तेल उत्पादक जो निर्यात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, आसियान, साफ्टा, ओपेक या EU। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तेल उत्पादक राष्ट्र जो कि तेल का निर्यात करते हैं, उसको लेकर संगठन बनाया है। कौन सा होगा सही उत्तर इनमें से? और वो है ओपेक। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और कब बना था ये संगठन? 1949 के अंदर। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, कि संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, नौसेना में, विस्तृत पतन में, तेल पतन में या औद्योगिक पतन में। संसार के जो अधिकांश महान पतन हैं वो किस प्रकार के वर्ग के अंदर वर्गीकृत किए गए हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और वो है सही उत्तर इन चारों में से कौन सा होगा? कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट, और उसका नाम है विस्तृत पतन। विस्तृत पतन जहां पर बड़ी मात्रा के अंतर्गत सामान्य जो कार्गो और जो बल्क कार्गो है वो काम यहां से संपन्न होता है, वो विस्तृत पतन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, दसवां, क्या निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? सबसे अधिक व्यापार से जुड़ा हुआ महाद्वीप कौन सा है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका। क्या होगा सही उत्तर? और याद रखिएगा, सही उत्तर है वो है उत्तरी अमेरिका। एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह जो फ्लो है वो है उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न देखिएगा अभी, ग्यारहवां, कि अमेरिका में दास व्यापार की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? अमेरिका में आपको पता याद आ रहा होगा, 15वीं शताब्दी में जब यूरोपीय उपनिवेशवाद आया था तो उसके साथ साथ ही दास व्यापार का सिस्टम भी आ गया था। जो अफ्रीका के गरीब लोग थे उनको पकड़ पकड़ के जबरदस्ती दूसरी जगह काम के लिए भेज दिया जाता था, और ये काम तब तक चलता रहा जब तक इस पर बैन नहीं लग गया। तो ये अमेरिका में बैन यानी दास व्यापार की समाप्ति किस वर्ष हुई? क्या है सही उत्तर? और वो है ऑप्शन तीन, 1808 के अंदर। 1808, 1792 में कहाँ? डेनमार्क के अंदर। 1792 में डेनमार्क के अंदर, और 1807 के अंदर ग्रेट ब्रिटेन के अंदर ये समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न देखिए भाई, बारहवां आ गया, प्यारा सा प्रश्न, किसी वस्तु की लागत मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री करना क्या कहलाता है? प्रश्न समझ ले,
यानी किसी चीज़ के ऊपर लागत खर्चा तो ज़्यादा आ रहा है लेकिन उसे कम मूल्य पर बेची जाती है। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ये सिस्टम भी होता है, किसी वस्तु की लागत मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री करना, डंपिंग, मुद्रा अवमूल्यन, विमुद्रीकरण या मुद्रा मूल्य पतन, और वो कहलाता है, बहुत प्यारा है ये परिभाषा याद रख लेना, ऑप्शन एक डंपिंग, डंप कर लिया जाता है। तो किसी वस्तु की लागत मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री करना डंपिंग यानी डंप करना कहलाता है, और इसका उद्देश्य होता है उस कंपनी का भी उस देश के प्रोडक्ट को ख़त्म करना है एक तरीके से भी, वो बना ही नहीं पाए। अगला प्रश्न देखिएगा, प्यारा सा प्रादेशिक व्यापार समूह से जुड़ा हुआ प्रश्न, एकल मुद्रा के साथ एकल बाजार किस प्रादेशिक समूह का लक्षित उद्देश्य है? एकल मुद्रा के साथ एकल बाजार किस प्रादेशिक समूह का, सारक, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ या आसियान, क्या होगा इसका सही? एकल मुद्रा, और वो एक मुद्रा कौन सी है? यूरो। वो संघ अपना जो व्यापार है वो यूरो के माध्यम से करता है। एकल मुद्रा के साथ एकल बाजार, और सही उत्तर है ऑप्शन दो नंबर, यूरोपीय संघ, जिसे कहते हैं शॉर्टकट ईयू। ईयू से पहले ईईसी बना था 57 में, और फिर ईयू है वो फरवरी 1992 में बन गया था जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था। और इसका मुख्यालय क्या है? ब्रुसेल्स के अंदर है, बेल्जियम, ब्रुसेल्स के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिएगा 14वां, क्या दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? ब्राजील, वेनेजुएला, चिली या पेरू? बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, कौन सा है इसके अंतर्गत? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश, और जो ओपेक का सदस्य है इनमें से, और सही उत्तर है ऑप्शन दो, वेनेजुएला। ध्यान रखिएगा, वेनेजुएला है वो दक्षिणी अमेरिकी देश है जो ओपेक का सदस्य है भाई। अगला प्रश्न है 15वां, निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है, संस्थापक सदस्य भी रहा है इसे एक व्यापारिक समूह का? ऐसा ही प्रश्न हम ऊपर कर भी चुके हैं, साफ्टा, आसियान, ओईसीडी या ओपेक, क्या है सही उत्तर? पहला ही प्रश्न था शायद, भारत किसका एक सह सदस्य है, और वो है साफ्टा। और अगला प्रश्न है आज का 16वां क्वेश्चन, आपको अपने मार्क्स शेयर करने हैं, भी ध्यान रखिएगा, आसियान का मुख्यालय स्थित है, आसियान जिसकी स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1967 के अंदर, लगभग 10 सदस्य देश हैं इसके। इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन जकार्ता, सिंगापुर, मिसंक या वियना, क्या होगा सही उत्तर? यह है इंडोनेशिया के जकार्ता के अंदर, ऑप्शन संख्या एक इसका सही। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। और ध्यान रखिएगा, आसियान है और साथ में जो अपना साफ्टा है, ये दो व्यापारिक समूह हैं जिनका, इन दोनों का संबंध किस महाद्वीप से है? वो है एशिया महाद्वीप से है। ये भी एक प्यारा क्वेश्चन है, वो बनता है। एक चीज़ और बता दूं, अगला जो अपना टेस्ट है 10वें चैप्टर का, वो बुधवार को होगा, इसलिए अगले 3 दिन में आपको 10वां चैप्टर मानव बस्ती वाला तैयार करना है। वीडियो ऑलरेडी उसके अपलोड हैं, वीडियो लिंक है उन चैप्टर्स के, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है वो दिए गए हैं। तो ये थे आज के अपने 16 क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपका जो टेस्ट है अच्छा गया होगा, किसी प्रकार की घबराहट की आवश्यकता नहीं है। कोई चीज़ आपको नहीं भी आई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़रूरत है भी आप आज कितने कर पाए, और अब उस चैप्टर को एक बार अच्छे से और आप रीड कर लें, समझ लीजिएगा, आप वीडियो दोबारा सुन सकते हो टॉपिक के, अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ोगे तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। और साथ में बताऊं, अब फर्स्ट बुक का एक बड़ा जो टेस्ट है वो भी जल्द ही 3-4 दिन बाद होने वाला है, आप उसको भी अच्छे से तैयार है, वो पूरी बुक को आपको टाइम निकालकर साथ में तैयार करना है, उसकी पूरी जानकारी जल्द ही आपसे शेयर करूंगा। चलिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।